आरिफ को उसका सारस वापस मिल गया। कैसे मिला और कब मिला आप लोगों को बताते हैं, देखते रहे एंड तक। ये सारस उसके साथ लास्ट खाना खा रहा था, उसके बाद वन विभाग के लोग आके सारस को लेके चले गए हैं। बता सुनिए आप उसकी मम्मी क्या बताती है। आए अचानक लेके चले गए, निधिर की सी कानपुर में है, पिंजरा में बंद है। आप आंसू पूछ लीजिए हुआ जब कहाँ थे वन विभाग, जब उनका पैर टूटा था खेत में पड़ा, हमारा लड़का उठा के ले आवा, उसको नोटिस दिन गई, जेल के इंतजाम कर रहे हैं। ये सब अच्छा नहीं है कि अच्छा है, इसको सरकार गलत कर रही है। आएगा देख लेना शेर दिल कहलाएगा, ये घायल अवस्था में पड़ा था जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था। खून बह रहा था तो इसकी हालत एकदम ख़राब सी हो गई थी। एक से डेढ़ महीने में इसका पैर सही होने लगा, डेढ़ महीने बाद अपने पैर पे एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद हम सोचे जब उड़ने लगेगा तो ये चला जाएगा अपने परिवार के पास, क्योंकि जंगली पक्षी है, कहाँ रुकेगा मेरे पास, हमको क्या जानता है कौन है कैसे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। ये फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा किस तरीके से वो जख्मी हालत में उसको मिला था और उसका इलाज करा के उसको बहुत अच्छा से प्यार से रखता था और उसके फैमिली मेंबर जैसा बन गया था। वन विभाग के लोग उसको लेके चले गए हैं, अब तक दिए नहीं है, जो मिल गया है न्यूज़ मिल रहा है कि उसको मिल गया है वापस, वो फेक है और अभी तक उसको नहीं मिला है।